देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अपने मन से साइन या कॉस का मान कुछ भी रखेंगे, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो अगर सबसे आसान होगा साइन या कॉस का मान 0 या 90 लेने पर, मान छोटा होगा, कैलकुलेशन आसान होगा करना। तो मान लेते हैं कि थीटा का मान 0 लेते हैं या 90 लेते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू इसका कॉस साइन 90 का 1, और 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो यानी एक्स का मान क्या निकला, ए, ये एक्स है। और उसी प्रकार यहाँ वाई, ये वाला हो जाएगा ए कॉस 90 0 और बी साइन 91, तो वाई बराबर हो जाएगा बी। एक्स का मान ए और वाई का मान बी रखेंगे कौन समय, दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर होगा। तो एक्स का मान अगर ए रखते हैं तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो 1 ए वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा एक्स का मान ए आया है तो ए स्क्वायर प्लस वाई का मान बी आया तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस में है यहाँ, तो ये भी नहीं आएगा। तो माइनस वाला तो नहीं आएगा, तो प्लस वाला आ जाएगा क्योंकि सेम है ये ऑप्शन। तो एक्स का मान ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी रखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर एच एस के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी।